कटनी में ग्राम पंचायत के सचिव की मनमानी सामने आई है, जहां पर जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। जिंदा व्यक्ति खुद को जिंदा दिखाते न्याय की आस में घूम रहा है और उसकी बूढ़ी आंखें न्याय की बात जो रही हैं। दरअसल मामला ग्राम तिलगवा जनपद रीठी के अंतर्गत का है, जहां पर सचिव कृष्णकांत मिश्रा पर यह आरोप है कि उन्होंने ग्राम के बुजुर्ग जो कि कपड़े धोने का काम करता था, कपड़े धोने को कहा तो उसने सचिव को मना कर दिया। इसके बाद सचिव ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर दस्तावेजों में नोनेलाल रजक को मृत घोषित कर दिया। गिरधारी कोल भी ग्राम तिलगवा निवासी है, जो कि मृत सूची में दर्ज है, लेकिन अपने आप को जिंदा बताते हुए घूम रहा है। ये सब कारगुजारी ग्राम सचिव रोजगार सहायक और GRS की भूमिका है। इस बात की खबर जनपद तक है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको ये बताना भी जरूरी है कि जिसके नाम को ग्राम पंचायत द्वारा मृत घोषित कर दिया, वे सभी जीवित हैं और वृद्धा पेंशन और राशन पाने को भटक रहे हैं। नोनेलाल रजक द्वारा बताया गया कि ग्राम सचिव निजी कार्य करवाना चाह रहा था, कार्य न करने पर द्वेषवश नोनेलाल का नाम ग्राम पंचायत की राशन लिस्ट और वृद्धा पेंशन सूची से कटवा दिया। इसके बाद अब नोनेलाल इस उम्र में भटकने को मजबूर है। 67 वर्षीय नोनेलाल को जी हजूरी न करने की ये सजा मिली है कि उसे जीते जी मृत घोषित कर दिया। साहब अभी मैं जिंदा हूँ और मेरा ये श्रीकांत मिश्रा सचिव पंचायत में है और उसे मेरा ये मेरे को कपड़े को बोले तो कि मेरे कपड़े साफ़ कर दियो, तो साहब मेरे से कपड़े साफ़ तो होते नहीं है। मेरी 67 साल की उम्र है, मैं और ग्राम तिलगमा का हूँ, मैं नाम मेरा है नोनेलाल और मैं वृद्ध हूँ साहब, तो मेरे को सहायता दी जाए।